गुड मॉर्निंग एवरीवन. दिस वीक वी विल डू फ्रॉग फेस बुकमार्क. हमने बुकमार्क बनाया है और इसका जो फेस है वो फ्रॉग का है. ये देखिए, ये एक पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी है जिसके लिए हमने ओरिगेमी शीट यूज़ करी है. चलिए हम इस एक्टिविटी को बनाना शुरू करते हैं. लेट्स डू इट. फॉर मेकिंग फ्रॉग शेप बुकमार्क वी विल यूज green and red color. First of all, we will use green color origami sheet. इसको हम इस तरह से center से fold कर लेंगे और यहाँ से press कर लेंगे center से. Then again इसको open करेंगे and second side से फिर से इस तरह से fold करेंगे, इसे press कर लेंगे center से. इसके बाद ये हमारा जो सेंटर लाइन है यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपने फिंगर से प्रेस कर लेंगे. सेम हम सेकेंड साइड से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपनी फिंगर से प्रेस कर लेंगे. देन ओपन करेंगे और ये जो हमारी मार्क यहाँ पे लाइन आई है इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे. सेकेंड साइड को भी ओपन करेंगे और इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे. देन जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमने एक पेज लेना है और ये जो हमारा यहाँ से सेंटर पॉइंट तक इसे फोल्ड कर लेंगे लाइक दिस. इसके बाद जो हमने ये टर्न लिया है इस तरह से इसको दोबारा से जैसे हमने पहले फोल्ड किया था इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा सेकंड फोल्ड है इसको यहाँ से इस पॉकेट के अंदर इस तरह से डाल देंगे. सेम प्रोसेस हमने सेकंड भी फोल्ड करेंगे और ये जो सेंटर वाली पॉकेट है इसको जो हमारा सेकंड फोल्ड है इसको इस तरह से पॉकेट में डाल. हमारा बुकमार्क बन गया है. इसको अभी हम फ्रॉक की शेप देंगे. जो हमने रेड कलर की शीट ली है इसको हम रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे. आप जितना लंबा चाहते हैं उतना कट कर सकते हैं. और जो हमारा कॉर्नर है इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे. कट करने के बाद जो हमारी फ्रॉक की टंग है इसको हम जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है जहाँ से हमने राउंड शेप दी है इस तरह से सीजर से पकड़ के खींच देंगे तो ये जो टंग है फ्रॉक की इसको यहाँ से फोल्ड हो जाएगी और इसे हम ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे. एकदम ऊपर वाले पोर्शन में हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. इसके बाद जो हमारा स्केच पेन है स्केच पेन की हेल्प से हम इस तरह से नोज बनाएंगे फ्रॉक का. देन हमने ग्रीन शीट लेनी है आईज बनाने के लिए. इस तरह से हमने एक ग्रीन शीट लेनी है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और देखिए यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे. डबल फोल्ड करेंगे तो जो हमारी दोनों आईज है वो सेम कटेगी. इस तरह से ऊपर से राउंड शेप दे देंगे. अब इसे हमने पेस्ट करना है.
इस तरह से हम आइस बनाएंगे और यहाँ पे पेन की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमारी जो फ्रॉक की शेप है ये तैयार है। देखिए हमारा बुकमार्क अभी तैयार है और हम इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। लुक हाउ इजीली वी विल कंप्लीटेड आर एक्टिविटी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।